रहे। उसी तरह से रहते रहते घर गृहस्थी बना ली बसा ली और उसी तरह से संसार धर्म करते हैं। अंत में काल उपस्थित होता है कि जब एक दिन उस जंगल में घूमते घूमते बाल उसका पीछा करता है तो उस समय दौर में हुआ गया कि वो पेड़ पर चढ़ने को समय नहीं एक कुएं के अंदर में उतर गया। देखा कि कुएं की मुंह में अब पेड़ की डालियां उग गई हैं, झाड़ियां आ गई तो उस पेड़ की डाली को पकड़ करके उसी में लटक गए। कुएं में पानी नहीं है, नीचे था सांप फंस फंस कर रहा है और ऊपर से बाल आया एकदम गर्जन करता हुआ हां हां कर रहा है खाने को। ऐसे स्थिति में जिस पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक रहा है कि उसको भी दो चूहा अब काटने लग गए तुरंत गए और जिस डाली को पकड़े हुए हैं उस डाली में मधुमक्खी की छत्ता लगी थी, मक्खी चारों ओर से घेर लिया काटने लग गए। उस स्थिति में सोच रहे हैं कि अब तो मरना है अनिवार्य है, ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु जाने का कोई उपाय नहीं, चलो अब मरते मरते मधु टपक रहा है शायद टपक रहा है तो थोड़ा पी लो पी कर गई बोलो। तो ऐसे ही ये संसार हे भरत महाराज हे रघुवर राजन हे महाराज लोग संसार में आते हैं सुख भोगने के लिए परंतु जीवन में इस चलते हुए जीवन के पथ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये छह रिपु जो है शत्रु घेर लेते हैं, सब कुछ लूट लेता है, सरल हृदय सरल प्रवृत्ति ये सब समाप्त हो जाता है। उस समय काम क्रोध के वश में धूप करके उन्हीं की सेवा करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसार में प्रवेश करके रजोगुण तमोगुण में महत्व भूल करके उस समय गीता भागवत से बहुत दूर साधु संतों से बहुत दूर कोई अच्छा उपदेश भी कानों में प्रवेश नहीं करता है। और ऐसे संगति में पड़े हुए मनुष्यों का जीवन एक पशुओं की तरह पक्षियों की तरह इस प्रकार से जीवन व्यतीत होता है और खान पान रहन सहन भी ऐसे ही गलत फहमियों में चला जाता है। इस प्रकार संसार में घूमते घूमते जिस समय काल उपस्थित होता है कि वो ऊपर मृत्यु जमुना चोटी पकड़े हुए कुएं के अंदर जो आदमी लटका हुआ है कि ऊपर वो जमुना चोटी पकड़े हुए वो बाघ के समान और काल रूपी सर्प को फंस फंस कर रहा है काटने के लिए इस संसार रूपी भौतिक रूप में हम पड़े हुए इस अंध कुआं में हम पड़े हुए घर बनाया संसार किया कि इसी के द्वारा हम सुखी होंगे शांति लाभ करेंगे। चार ओर से मक्खियां काटते हैं जे इस मनुष्य शरीर रूपी डाल को हम पकड़ करके हम सोच रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के द्वारा हम सुखी होंगे शांति लाभ करेंगे आनंद उपभोग करेंगे परंतु दिन और रात इस शरीर के आयु को कुरते जा रहे हैं समाप्त करते जा रहे हैं। इसी प्रकार आयु भी समाप्त होते जा रही है और इस संसार का सुख जो मधुमक्खी की छत्ता है उसमें से शहद टपक रहा है। हम सोच रहे हैं इष्ट मित्र बंधु बांधवों में जहां कहीं हम हैं वहां हम सुखी होंगे सुख भोग करेंगे परंतु सुख भोग होता ही नहीं चारों ओर से मृत्यु घिरी। इसलिए हे राजन इस मृत्यु वाले संसार को जानकर इससे निकलना होगा और ये सब छोड़ करके हे राजन प्रभु की आराधना करें। संसार के सुख शांति पाने के लिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं, कोई घर छोड़कर निकल जाते हैं, कोई घर में पड़े रहते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई सूर्य की पूजा करते हैं, कोई जल की पूजा करते हैं, कोई अग्निदेव की पूजा करते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं परंतु उसके द्वारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मही यशाम पार रजो भी सीखम हे राजन हे रहुगा जब तक महापुरुषों के अनुभवी संतों के चरणों में अभिषिक्त न हो जाए आत्मसमर्पण नहीं कर दे उनके उपदेशों के द्वारा अपने जीवन का नहीं बनाए तो जीवन में कदापि सुख और शांति नहीं है। इसलिए हे राजन संत पुरुषों के चरणों में आश्रय लेकर आप भगवान श्री हरि का भजन करें इसी से आपको कल्याण है अन्यथा और कोई कल्याण का मार्ग। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में
विज्ञान और वैराग्य की बातें सब दिखलाई। राजा महाराजाओं का उपाख्यान सुनाया, फिर उपाख्यानों के द्वारा भक्तों के चरित्र का वर्णन किया कि इसी प्रकार हमें यदि आत्मकल्याण लाभ करना है तो भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। संत पुरुषों के चरणों में आश्रय के बिना हमारे जीवन का अज्ञान अंधकार दूर होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु वैष्णव चरणों में आश्रय लेकर भजन संघ कहना होता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। इस प्रकार आगे बहुत सारी कथाएं हैं, मैं यहीं पर आए अपना वक्तव्य रखता हूँ। कीर्तन कर दो। भगवान की कथा ऐसी होती है जो काल डर जाता है। अभी कलयुग का साम्राज्य, वो नहीं चाहता कि हमारे राज्य से कोई निकल करके भगवान के धाम में पहुंचे, इसलिए आंखों पर एक समन का पत्थर जैसा आंखों पर आ जाता है, जब हाई आने लगती है और वो बेचारा सोने लगता है और इस अमृत से वंचित हो जाता है। किंतु नाम संकीर्तन ऐसा है कि उसमें नींद भी नहीं आएगी, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम। अब इसने ले लो कोई राम का प्यार। बलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती।
देखिए, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, पानी पीना छोड़ दिया, हवा लेना भी बंद कर दिया, सोना भी बंद कर दिया, शरीर में दीमक लग गए, खा गए सब। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के आए, पानी छिड़क दिया उसके ऊपर में, प्रोक्षित कर दिया, मंत्र पढ़कर अवश्य दिव्य नवजुवक एकदम 16 वर्ष जैसा वज्र जैसा शरीर, निरोग स्वस्थ एक दिव्य कांति का पुरुष निकला। उसी का नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी से, मैं दिन में नहीं बनूं, रात में नहीं बनूं, महीने में मैं नहीं बनूं, मैं आकाश में नहीं बनूं, पाताल में नहीं बनूं, और आपके द्वारा बनाए गए प्राणियों से मैं किसी से नहीं बनूं, धरती पर नहीं बनूं, आकाश में नहीं बनूं, सांपों से, मनुष्यों से, गंधर्वों से, किन्नरों से किसी से भी मैं नहीं बनूं, घर के अंदर नहीं बनूं, बाहर नहीं बनूं। इस प्रकार से उसने वरमान दिया। एकदम वज्र जैसा शरीर, निरोग 16 वर्ष जैसा नवजुवक बना रहेगा, और उसने सारी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को जीत लिया, देवताओं को भी अपने वशभूत कर लिया। इस प्रकार से इतना प्रतापी हिरण्यकश्यप राजा हुआ, उसको कोई मार नहीं सकता था। यहाँ तक कि ब्रह्मा और सभी लोग उससे थर थर कांपने लग गए। जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं सुखी, उसके घर में सभी कुछ उसके समय में था, उसके घर में। आप बस समझिए, कंप्यूटर का उस समय में आविष्कार नहीं हुआ, और फैन नहीं था, और कूलर नहीं था, ये सब की कल्पना उससे बहुत सारी चीजें उसको उपलब्ध थी, जो जीवन में मनुष्य आप कल्पना कर सकते हैं पा नहीं सकते, वो भी था। बड़ा सुख से राज्य करने लगा, और उसी के घर में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हुआ प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान का नाम करता था। वो कूटनीति में, राजनीति में, राजनीति माने क्या, कूटनीति, अपने माता पिता को भी धोखा देना, राजनीति। आजकल की राजनीति और गंदी, पहले तो राजनीति में कुछ था, आज व्यक्ति करने के आइए आप बर्बाद हो जाएंगे, इस राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। तो वो बेचारे को स्कूल भेजा अपने, उसके पिता ने किसके पास में भेजा, संडावर शुक्र आचार्य के पुत्र, शुक्र के आचार्य, शुक्र से जन्म होता है, यही शुक्र माता के गर्भ में जाकर के बेटा बेटी उत्पन्न होकर के संसार होता है, इसके आचार्य थे, कैसे जन्म होता है, और उनके पुत्र हैं संडावर, संड माने सांड जैसे, अमर माने अंधकार, कोई भगवत भक्ति से संबंध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, बस शाम दाम दंड भेद, कैसे दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका धन हड़प सकते हैं, कैसे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और कैसे हम प्रेसिडेंट बनेंगे, राजा बनेंगे, बस ऐसी ही नीति को शिक्षा दे रहे थे। उनके पास में पढ़ने के लिए ले जाते, तो यह बच्चा यह सब चीजें नहीं पढ़ता, वो भगवान का नाम करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान का चिंतन करता था बचपन से। क्यों करता था हम पीछे बतलाएंगे। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया, जब इस पाठशाला से लौट कर आया, तो उसकी मैया ने उसे श्रृंगार कर दिया, और पिताजी उसको अपनी गोदी में ले लिया, और बड़े प्यार से उसका सिर सुनते हुए सहलाते हुए बोले कि बेटा, तुम स्कूल में जो पढ़ा, जो तुमको अच्छी लगी, जरा बतलाना तुझे क्या तुमने पढ़ा। वो सोचा था ये राजनीति, गणनीति, और कैसे पैसा बनाया जाता है, कैसे राजा हो जाता है आदमी, कैसे प्रेसिडेंट बनता है, कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, आजकल ये सब शिक्षाएं
प्रचुर परिमाण में ये सब दी जाए। तो वैसे समझा था जी यही कहेगा, किंतु उसने कहा तत्साधु मन ने असुरवाद्य देहिया सदा उद्विग्न थिया असत गृहा हिता कृपातम यह मन लगोगा जब वरम गदो परिमाश। उसने साथ रूप में कहा हे असुर श्रेष्ठ, इस संसार में सदा लोग उद्विग्न हैं, क्यों? संसार में आसक्त होकर के सुखी होने की लालसा से धन कमाते हैं, विवाह शादी करते हैं, तरह तरह के घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उसमें उद्विग्न रहते हैं, कहीं नष्ट न हो जाए, कोई मर न जाए, कोई रूप न हो जाए, कैसे? इसलिए इस संसार में यह संसार एक अंधे कुएं की भांति है जिसका इन्होंने वर्णित किया। उस अंधे कुएं से निकल करके भगवत भजन करना ही सर्वोत्तम है, शिक्षा का आदर्श, इसके बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नारी ये तो बड़ा बदमाश निकला, हमारे चंदन वंश में ये उठार कहां से जन्म कर, ये तो वंश का उलंगार है, ये विष्णु हमारा शत्रु है, हमारे भाई को मारा है और उसी का गुणगान कर रहा है, मैंने पाला पोषा इसका जन्म दिया, भगवान कौन है? भगवान को अपने मन से कल्पना से कर लेते हैं, भगवान कोई चीज नहीं है, भगवान को किसने देखा? अरे मैंने तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाप को सुनता रहा, उनको नहीं मानता है तो उनको क्या मानेगा, और इसकी बुद्धि कैसे खराब होगी? संडामर, इसको तो अच्छी से शिक्षा देना, इसके बाद तुमको छोड़ देता हूँ। मालूम होता है कोई आदमी इसमें प्रवेश कर गया और इसको ये कुछ शिक्षा दे गया, भगवान के भजन को आजकल लोग कुछ शिक्षा कहेंगे, आप ही लोग कुछ सज्जन है जो आए हैं हमें कथा सुनने के लिए, नहीं तो सब समझेंगे से इसमें तो कोई शिक्षा ही नहीं है, कैसे धन कमाएंगे, कैसे हम संसार का पालन करेंगे, राजनीति की कोई बात होती, हमारी इंदिरा आई थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री, उसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर जितने यहाँ के थे सब लोग जमा हुए, क्या दे करके गए, ये बातों को दे करके गए, कोई प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये सब चीजें देगा तो जीवन में सुखी होने, वो देखेगा जैसे इसलिए आएगा कि फिर से हमको वोट देंगे और फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसका अतिरिक्त तो किसी काम के लिए नहीं है, आपके जीवन को बर्बाद करते, आपको चूस लेगा, चूसने के लिए लल्ली चप्पू बातों को करने के लिए सब आते हैं, नहीं तो ये खबरदार ऐसी बातें हम सुना इसके मुंह से, इतना भोला भाला लड़का इतनी कमर उन्होंने कहां से ये विष्णु का भजन करने लगा, बुरी बात कहां से सीख लिया, इसने तो ये सब जगत की बातें सीखी नहीं, ले जाओ। वो लोग ले गए, कुछ दिन तक और रहा, फिर कुछ दिनों के बाद में पढ़ने लिखने के बाद में फिर एक दिन फिर उसको लाड़ प्यार से गोदी में लेकर के पूछा, बेटा तुमने क्या शिक्षा ला? तो आज उसने और थोड़ा सा पढ़ करके बतलाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, भगवान का चिंतन करना, उन्हीं का नाम कीर्तन करना और उन्हीं की पूजा करना, इस प्रकार से सब प्रकार से भगवान में चित्त तन्मय होकर उनका भजन करना, ही सब शिक्षाओं में उत्तम शिक्षा है, इसके नहीं, इसमें गुरु के चरणों में प्रणत होकर के जो भजन शिक्षा जानते हैं उनके चरणों में पहले आत्मसमर्पण करके भजन करना सीखो। अरे हारमोनियम बजाने के लिए, अभी ऑफिस कंट्रोल करने के लिए कहीं जाकर के एक्सपर्ट की है सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो जिस चीज को कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, उसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही भजन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, कोई सदगुरु के पास नहीं जाता, उसके चरण आत्मसमर्पण करके सीखो भजन की रीति, और सुन करके फिर भगवान का श्रवण करो, कथाओं को कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, इसे पढ़ करके जगत में सीखो, सुन करके जो एकदम पागल हो गया, क्रोध से एकदम लाल हो गया, बच्चे को अपने गोद से लेकर के पटक, ये कुलंगा जन्मा, मैं सोचा था कि अपने स्वभाव को बदल करके ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, ये कहां से कुलंगा इसने ऐसी उस शिक्षा पाई, संडा और कुला दोस्त तुम लोगों ने ऐसी शिक्षा क्यों दी, महाराज हमने इसको शिक्षा दी, ये तो स्वाभाविक रूप से कार्य क्यों बोलता, हमने तो इसको बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी जो आपने कहा था, ये कहां से सीखा, अच्छा मैं अभी ले जा करके अभी देखता हूँ और शिक्षा दे करके फिर आपके पास में जाऊंगा, वो लेकर के चला गया। इन लोगों ने पूछा, प्रहलाद तुमने ये कहां से सीखा है ऐसी शिक्षा, हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं। उसने कहा जी आप लोग ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते,
ये तो स्वाभाविक रूप में ऐसा कारण है। जो लोग इस संसार में चरित चरवण करते हैं, चरित चरवण माने क्या, इस संसार में यदि एक कुत्ता है उसको कहीं से एक हड्डी मिल गई, उसमें चमड़ा कुछ लगा हुआ था, वो झट दौड़ करके पहुंचा और उसको ले करके दौड़ा और देख करके वो सोच रहा था कि कहीं निर्जन स्थान पे गड्ढे में छिप करके उसको खाएंगे, उसमें से रस आएगा, फिर ले करके भागा। अयोध्या में दस कुत्तों ने देखा, दस कुत्तों ने उसका पीछा किया और उसे काटने लगे। जब देखा कि प्राण नहीं बचेगा तो उसको छोड़ करके और दुम दबा करके एक खड़ा हो गया, देखने लगा और फिर दूसरे जिसने उसको पकड़ा फिर दूसरे सभी लोग उसको काटने के लिए दौड़े। हड्डी चुसता है और अपने दांतों के इसमें लग जाता है और उसमें रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को पी करके और सोचता है बड़ा मधुर क्या ही नमकीन रस आ रहा है, वो रस कहीं का नहीं, वो हड्डियों को चूसने से उसमें लग करके अपना ही वो रक्त चूस करके बड़ा खुश होता है। ऐसे ही हम चबाए हुए को चबाते हैं, अथवा एक कुत्ता बहुत कुछ खा लिया और खाने के बाद में पेट में दर्द होने लगा और एक घास को खा लिया, घास के खाने से फिर वो जो खाया था उगल दिया और फिर उगले तो वो खाता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारे माता पिता इस जीवन में सुखी नहीं हो, हम भी इसके द्वारा सुखी नहीं हो सकते हैं। अपने मैया से पूछो जो 80 वर्ष की हो गई है, मैया तुम सुखी हो तो बेटा मैं क्या सुखी, अब चल नहीं कर सकती, बुढ़ापा आ गया, बहुत दुखी है, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, हमारे जितने बेटे थे और बेटियां थी उनकी शादी होती सब मैंने कर दी, सोचा अपने बुढ़ापे में बड़ी सुखी रहूंगी, अब मुझको कोई पूछता ही नहीं है, घर से बाहर कर दिया हमको और ये बुढ़िया मर के नहीं जाती, खांसी रखनी है दिन भर बदलाव। तो यहाँ पर वही कारण है प्रहलाद महाराज जी, इसे कोई जो कि जानता नहीं है संसार को और उसी चूसते हुए को चूसते हैं, हड्डी को चूस रहे हैं, और ऐसे जो लोग हैं संसार में डूबे हुए हैं वो मुझे क्या शिक्षा दे सकते हैं, तुम लोग क्या शिक्षा दे सकेगा, जिनकी मति ऐसी जिनकी मति भगवान के चरणों में है वही केवल हम शिक्षा दे सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अंधा को लेकर के रास्ता दिखा रहा है तो क्या होगा, वो अंधा भी और वो अंधा भी दोनों जा रहे हैं और एक गड्ढे में दोनों गिर करके मर गए। ऐसे जिसका गुरु भी अंधा है उस तत्व नहीं जानता, वो दूसरे अंधे को जो कुछ नहीं जानता उसको भजन की क्या शिक्षा देगा, ऐसा वो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के अंधकार नरक में जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु से नहीं होता जिसको मति भगवान की चरणों में जो भगवान को भजन करते हैं, जिसकी अनुभूति हुई है, जो हमारी सारी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, संसार से आना सकते हैं, ऐसे सदगुरु यदि मिले तो उनके वचनों से सुन करके पालन करने से इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं, घर संसार करके भी और इसके बाद भी हम लोग सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को ये बातें कही, वो एकदम बिगड़ गया, मार उसको दुष्ट, हजारों सैन्य लगा दिया अपने दुष्टों को सैनिकों को, वो उसे मारने लगे फरसे से बाणों से इस दर से उधर से, किंतु उसको कोई छोटी नहीं पहुंची, मानो न जाने कौन रक्षा कर रहा है, आग ने जलाया, यहाँ तक उसकी बहन आग में जलने वाली नहीं थी, वरदान था, उसको गोदी में लेकर के जलती हुई आग में बैठी, वो जल गई किंतु ये निकल आया, समुद्र में फेंका न जाने कौन उसकी रक्षा, पहाड़ों से ऊपर से फेंका नहीं मारा, सांपों से कटवाया सांप से काटने में आई, हाथियों से कुचलवाने की चेष्टा की हाथियों से डर करके पहले ही मार, किसी तरह से उसकी मृत्यु है, बड़ा पकड़ा है संडा मार्ग में समझा, हमारे पिताजी जरा बाहर में गए अभी आ जाने वाले हैं, इसको समझे आप जाकर के ठीक कर देंगे, आप छोटे से बच्चे से इतना डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये बच्चा आप विश्व संसार आपके वशीभूत है, देवता लोग आपके अधीन है, आप मर नहीं सकते और इसे डरते हैं, भाई भाई इससे मर जाऊंगा मुझे तो डर लग रहा है, ये छोटे बच्चे को कोई हम लोग मार नहीं सकते, किसी प्रकार से ले गए, ले जाने के बाद में एक दिन उसके गुरु दोनों थे किसी काम से चले गए, बोले जैसे अभी मैं अभी हम लोग आ रहे हैं, प्रहलाद को कहा कि बच्चा इन सबको मॉनिटर तुमको कर देता हूँ और तुम इनको थोड़ी सी इधर से उधर से रखना झगड़ा रखना, गुरु जी चले गए, प्रहलाद महाराज वहां पर बैठे थे, बच्चों ने कहा गुरु जी चले गए खेले हम लोग,
प्रहलाद महाराज जी खेलेंगे, हम बड़ी सुंदर खेल खेलेंगे, पहले हमारी बात को थोड़ी सुन लो, एक बातें हम तुमसे करेंगे। देखो बचपन से ही भगवान का भजन कर, आओ महाराज बचपन से 5 वर्ष की उम्र से जब से होश हो जाए, जब से होश हो जाए तभी से भगवान का भजन कर। उसने कहा जी भगवान और उसका भजन क्या है? अरे यदि भजन भी पूछा है तो हम बड़े होने पर विवाह शादी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे विवाह शादी करेंगे, धन कमाएंगे, जब पूरे हो जाएंगे तो भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज जी ने कहा अरे बेटा ये भाइयों देखो कोई जरूरी है कि तू बूढ़ा होगा ही, उसके पहले नहीं मर जाएगा? कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ निकल करके मर जाता है, कोई 5 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। भाई इसका कोई ठीक नहीं है कि तुम बूढ़ा होगा ही, और यदि बूढ़ा हो जाएगा उस समय कमर भी सीधी नहीं होगी, उसमें तू क्या भजन करेगा? इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा जी तो तभी हम लोग ये सब शिक्षा लाभ करेंगे, एक्सपर्ट होंगे, हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वकालत पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इधर कंप्यूटर पढ़ेंगे, इधर उधर करेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे भाई जरा सोचो तो, आप पहले ही मर गया तो क्या होगा? कोई गारंटी नहीं ये कब कौन मरेगा, पर छिप महाराज को 7 दिन की गारंटी थी। अभी कोई एरोप्लेन कोई जा रही कहीं जा रहा था, और उसमें बहुत से जाते लोग बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे, अभी सर बैंक ऑफ के पास में कहीं, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और गिर गया, और जिसमें जितने लोग थे सब मारे गए, बड़े बड़े लोग कहाँ घर भी नहीं पहुंच सके। अभी बगदाद में अमेरिका ने बम छोड़ा, कितने आदमी मरे वो जानते थे कि अभी मरेंगे? अभी कोई महायुद्ध हो जाए कोई ठीक है ये कब कौन मरेगा? अभी घर का छत गिर जाए कब क्या हो जाए कोई ठीक है? इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। न प्रयासो कर्तव्य जत आयु व्यय करम, तो हम लोग सुखी कैसे रहेंगे, धन नहीं कमाएंगे? अरे तुम ये मत समझो जो रुपये से परिश्रम करने से ही कर्म करने से ही धन आ जाएगा। एक आदमी एक अंधे कुल में अंधे होकर के जन्म लिया गरीब के घर में, क्यों? और एक यहाँ के प्रेसिडेंट के घर में एक बच्चा जन्म लिया, क्यों लिया? उसका स्वस्थ शरीर है, बुद्धि भी तेज है, थोड़ा सा कुछ पढ़ता है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, और एक लड़का अंधा लंगड़ा बूढ़ा गरीब दरिद्र घर में जन्म लिया, दिन भर काम करता पेट नहीं भरता, ऐसा क्यों हुआ? परिश्रम किया उसने और दूसरे ने परिश्रम किया था जो ऐसा हो गया, क्यों हो गया इसके लिए सोचिए। हमारे देश में एक गरीब घर के लड़के थे लाल बहादुर शास्त्री, वो प्रधानमंत्री हो गए, कैसे हो गए? कोई धनी घर में जन्म ग्रहण किया, क्यों जन्म ग्रहण किया? एक दरिद्र घर में लंगड़ा लंगड़ा क्यों जन्म हुआ? अपने कर्मों के पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया है उसके प्रभाव से तुम कुछ नहीं करने पर राज कराने में जन्म होगा और बड़े सुख भोगेगा, और यदि होगा तो खुदा छप्पर फाड़ करके तुम्हें दे देगा, और नहीं तो दिन रात परिश्रम करने पर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए चिंता मत करो, जिसको भगवान ने पेट दिया है शरीर दिया उसके कर्म के साथ में दिया है, जिसने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग करेगा बाध्य होकर के, नहीं तो दिन भर करने से भी कुछ नहीं होता। और जो काम कुछ नहीं करता तो फिर देखते हैं कि सुखी है, क्यों? अरे पूर्व जन्म का ये फल हो रहा है, अब इस जन्म में तुम ऐसा अच्छा नहीं काम करेगा फिर नजर तुम क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। हम लोगों को तो कुछ करते तो नहीं है, कैसे भोजन होता है, कैसे करते हैं, कपड़े कहाँ से आते हैं, आज विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, एक पैसे का तो मैं काम तो कोई नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय तुम तो करता नहीं, क्यों हमको खाने के लिए इतने आदमी लड़ाई करते महाराज आज हमारे घर में प्रसाद खा लीजिए, आज हम लोग आपको खिलाएंगे, आपका किराया हम देते हैं, हमारे देश में आइए विश्व में सब व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों? मैं क्या करता हूँ? क्यों करता हूँ? भगवान का थोड़ा सा नाम करता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। इसलिए आज हमारे पास में लाखों आदमी आ जाए उनके खाने के लिए कोई चिंता नहीं रहती। अभी उत्सव हम लोग करेंगे जिसमें कि 20-25 हजार आदमी आएंगे, 10-15 दिन तक ऐसा ही सदा व्रत चलता रहेगा, दोनों बार खाएंगे, कहां से आता है? भगवान का भजन करने से ऐसा है।
ऐसा मत समझिए जैसे ऐसा हमने जो हम परिश्रम करके कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पूजा परिवार के पास में अभी पैसे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार है, उनसे बहुत परिश्रम करने वाले लोग उनको भूख उनका पेट नहीं भरता। इन लोगों के घर में जो जन्म लेते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पूर्व जन्मों का कुछ है, इसलिए इस जन्म में कुछ भगवान का भजन करो, कुछ ऐसे कर्म करो जो भविष्य जन्म के लिए होगा। इसलिए वहां पर बच्चों से कह रहे हैं, देखो इसके लिए प्रयास मत करो जो मैं अपने कर्मों से सुखी हो जाऊं, यह जन्म तो केवल भगवान का भजन करो और जैसा जैसा आप तुम्हारा समय आ रहा है उसी के अनुसार में अपना जीवन पालन करते हुए कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना बहुत परिश्रम नहीं है, बस उनको केवल प्रणाम कर दो, कह दो जी हे प्रभु मैं आपका, इसमें क्या लगता है, राम राम कह दो, राम राम नहीं आता है मरा मरा कह दो भाई, कहो उल्टा नाम जब तक जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान नाम लेक भव संग सुखाही। करो विचार, विचार तो करो, मनुष्य को बुद्धि दिया है भगवान ने, इसका उपयोग तो करो। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, देखो 100 वर्ष की आयु भगवान ने दी, तुमने बनाई मनुष्य शरीर, तुमने बनाया, भगवान ने कृपा करके दिया। और 100 वर्ष की आयु में देखो 50 वर्ष सोने में रात में चला गया, और बाकी दरिद्रीय व्यक्ति हैं जो शराब पीने वाले हैं और वो तो जीवित होते हुए भी मरे, उनका तो सभी सारा समय ही बर्बाद जाता है, तो आधा समय तो सबका ही चला जाता है सोने में। और आधी आयु में से जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक तो ऐसे ही चला गया, इसके बाद स्कूल कॉलेज में गए एक्सपर्ट होने में किसी विषय में, उनको लग गया करीब 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 20 वर्ष तक, आजकल तो लगता है 25-30 वर्ष तक एक्सपर्ट होते हैं, कॉलेजों में जाएंगे इधर करेंगे उधर करेंगे, फेल हो गए तो दूसरी बात, और रही कोई कोई 5 वर्ष तक एक ही जगह में बीकॉम में ही फेल हो जाते हैं, वो बीकॉम के बाद में न जाने क्या एक होते हैं वो हो गए। तो इस तरह से वो तो गया 50 वर्ष, और इधर में 20 वर्ष की आयु ऐसे ही पढ़ने एक्सपर्ट में होकर चला गया, और अंतिम जो आयु है 80 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु, वो बुढ़ापे की स्थिति, उस समय में शरीर भी सुधार नहीं होता, आंखें कम दिखती हैं, केश पक जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, चलते हैं तो लकड़ी की सहायता से, कोई पूछता नहीं, जिसको आपने सब धन संपत्ति देकर के बड़ा किया है वही आपको दूध के से मक्खी जैसे फेंक देती है, वैसे ही आपकी इच्छा के विरुद्ध करेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेगा, उस समय हृदय में बाण चूरते हैं। तो ये 20 और गया करीब करीब कितना 50 और इधर में 20 90 वर्ष चला, 10 वर्ष रहा। अब 10 वर्ष में भी अपरंत कामना है, विवाह शादी करना है, घर पालन करना है, मकान लेना है, इधर में कार रहेंगे, यदि कार नहीं तो जीवन ही बिगड़ गया, यदि ये सब उपकरण नहीं है आपके घर में तो जीवन ही वृथा। इस तरह से ये 10 वर्ष भी अपरंत कामनाओं में बीत जाते हैं, कैसे कामनाएं भी बीत जाते हैं, एक गरीब आदमी भिक्षा मांगने के लिए जाता है, भिक्षा मांगते मांगते एक दिन किसी प्रशासक सबको मिल गया तो लेकर के अपने पास रखा, और रख करके दोपहर में तेज की दोपहरी में वो सो गया एक कुम्हार के घर में, जो बर्तन मिट्टी का बनाते हैं, तो मिट्टी का बना करके उसको पका करके वो बेचते हैं, तो वो एकदम चारों तरफ अपने घर में सजा करके रखा था, और दोपहर में सोते सोते दिन को आई नहीं, सोचा जी एक जो एक पौवा सबको मिला है आधा पौवा खाऊंगा आधा पौवा रख दूंगा, 4-5 दिन में एक शेर हो जाएगा बचा लूंगा, इसको बेच दूंगा, और फिर ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद में हमारे पास में 100 रुपये हो जाएंगे, एक दुकान कर लूंगा और दुकान में एक नौकर रख लूंगा, और फिर मैं वो दुकान की पूंजी बढ़ा करके एक बड़ी दुकान करूंगा, और फिर उसे कारोबार कर करके विराट में कारोबार करके लखपति हो जाऊंगा। तो जिन लोगों से आज पैसे मांगता हूँ देते नहीं है, भीख नहीं देते, उन बदमाशों को मैं देख लूंगा, एक जब हमारे पास आएंगे एक लठिया उठाकर एक लठिया मारूंगा, और जैसे उसने लठिया जो पास में रखी थी घुमाया, एक उसका घड़ा फूट गया, और फूटने से जितनी
भर 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 करके फूट गए। घर का मालिक आया, अरे ये तुमने क्या कर दिया, लठिया लेकर के उसके मारने के लिए दौड़ा। तो ऐसे ही हमारे अरमान होते हैं दिन रात, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और करते करते 10-13 दिन चले गए, कहाँ भगवान का भजन करें। प्रहलाद महाराज जी कहते कि देखो भैया, बचपन से ही भगवान का भजन करो, गुरु पर आश्रय करके सदगुरु और उनसे शिक्षा लो, सहज रूप में कैसे हम जीवन का निर्वाह करते हुए माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के साथ में रह करके सहज रूप में भगवान का भजन करेंगे और इस संसार को पार करके अंत में सहज ही भगवान को प्राप्त करेंगे। तुमने कहाँ से ये सीखा, हमारे साथ में तो था। हाँ पादो, जब हमारा पिताजी चला गया वन जंगल में तपस्या करने के लिए, उस समय देवताओं ने आक्रमण किया और सबको मार करके हमारी मैया को पकड़ लिया और ले जाने लगे, जिसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है, ये तो महादानव होगा, ये हमें मारेगा, इसलिए इसको हम जब पैदा होगा तो उसे मार डालेंगे, इसलिए अपने आदमी को ले गए। किंतु स्त्री को नहीं मारना चाहते थे, पुत्र को मारना चाहते थे। इतने में नारद जी आ गए, नारद जी बोले भाई इसके पेट में तो एक परम भक्त है, इसको कोई नहीं मार सकता विश्व में, इससे इसको कृपया करके छोड़ दो। ये सुन करके इंद्र ने उसकी परिक्रमा की और उसे छोड़ दिया। नारद जी उसे आकाश मार्ग से लेकर के अपने आश्रम में रखा और 60,000 वर्ष तक जब तक वो तपस्या करता रहा, वेद वेदांत भागवत गीता भागवत सबको उन्होंने सुनाया और इसके बचपन में ही माँ के गर्भ में ही संस्कार के द्वारा वो सब सीख लिया। मैया भूल गई किंतु वो भूला नहीं, इसलिए बचपन से वो भगवान का भक्त। इस तरह से संस्कार की जरूरत है, आजकल संस्कार नहीं करते हैं, इसलिए पुत्र भी कुपुत्र होता है, लड़कियां भी वैसे ही कुपुत्री होती है, इसलिए भारतीय संस्कार होना चाहिए, साधु संतों का आश्रय करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से बहुत शिक्षा है हमने प्रहलाद महाराज जी से, और थोड़ी सी शिक्षा ली, अब समय हो गया है, आज यही पर हम कथा का विराम दे रहे हैं, कल हम लोग की अंतिम कथा है और सब लोग की इच्छा यह है कि जितने लोग आए हैं हरि कथा सुनने के लिए उनको संवाद दे दिया जाए, कल यहीं पर प्रसाद बनेगा और ठाकुर जी का प्रसाद सबके लिए सुलभ रहेगा, सभी लोग प्रसाद पाकर ले जाएंगे। और पैसे की प्रणामी के लिए चिंता मत करें, उनको एक पैसे की प्रणामी नहीं देना होगा, यदि दे देंगे तो ठीक है अपने लिए ही देंगे, नहीं तो प्रणामी के लिए भी जरूरत नहीं है, हरि कथा सुन करके प्रसाद पा करके कल जाए। हम लोग का भी अंतिम दिवस है, मैं चाहता था यह संदेश सब लोगों के कानों में जाए, सब लोग सुने और तो मैं भारत प्रसन्न जाऊँ, मैं बहुत प्रसन्न होकर के जाऊँगा जो बहुत से लोग यहाँ पर सुने और कुछ लोगों ने इसको ग्रहण किया। आप लोग ग्रहण करेंगे कुछ भी नहीं हो तो अपने घर में ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आप बोलिए तो हरे कृष्णा दर्शनों इधर सुनो बेट।